स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। नहीं पंडित जी, एक कायन। कैसा इंसाफ है अविनाश भगवान का, आज इसकी बहन का रिश्ता होने वाला था। जी जी राह देख रही थी इसकी तारा, बिना तू तो अपनी माँ से बिना पूछे घर छोड़ के नहीं जाती थी, आज आज दुनिया छोड़ के चली गई। अविनाश अविनाश जी जी तो पगलाई जाएंगी, ये बात हम उन्हें कैसे बताएंगे अविनाश, कैसे बताएंगे? चचाली दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बताना तो पड़ेगा ही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये बताऊं कैसे। देखो ना, ऐसा खोटा नसीब लेकर आई थी जीजी, मैंने अपना पति खो दिया, अब इतनी मुश्किलों से अपनी बेटियों के सहारे जीने की कोशिश कर रही थी और आज एक बेटी भी छोड़ के चली गई। अविनाश जीजी तो अभी तक जीजाजी की मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पाई थी, तारा की मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी अविनाश? दीदी को बताना तो पड़ेगा ही। बुआ जी कितनी खुश थी कोयल के रिश्ते को लेकर, लेकिन अब चाचा लड़के वाले आते ही होंगे, हमें बुआ को सब कुछ बता देना चाहिए। सही कहा तुमने अंश, बताना तो पड़ेगा ही। अविनाश अविनाश संभालिए अपने आप को, आप ऐसे करेंगे तो जीजी को कौन संभालेगा? हाँ चेता जी। क्या हो बेटा, कहाँ जा रहे हो आदित्य? Thank you.
कहा? तारा? भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी तारा ठीक हो गई। आंटी, हेलो रीवावंशी जी। हाँ हम बोल रहे हैं, जूनियर रीवावंशी रिपोर्टिंग सर जी। जी ऐसा है, मुद्दा यह है कि हमारे रिसर्च सेंटर में जो हमने रिसर्च किया लाइब्रेरी में, उसका फाइनल रिजल्ट ये आया है कि जो पेड़ का छाल है उसका रस जो उस लड़की को लगाया था जी, हाँ वो पानी के संपर्क में आ गई तभी भी नहीं मिटेगा, लेकिन तब तक जब तक कि वो लड़की बेहोश है, और अगर एक बार वो लड़की होश में आ गई तब कांड हो जाएगा अगर वो पानी को टच कर गई, मतलब उसके संपर्क में चली गई तब जी। जी तो बस अब दुआ तो यही करना है हम लोगों को कि ये या तो बेहोश रहे, और नहीं तो होश में आए तो फिर जल परी ना बन जाए, नहीं तो कांड हो जाएगा ना जी। हेलो जी 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 जी, तू ठीक तो है ना बेटा? तुझे पता है हम कितना घबरा गए। तू ठीक है ना बच्चे? हाँ माँ, बस इतना समझ लो जीजी, बहुत दूर से लौट के आई है हमारी तारा। मतलब? चेताली, दीदी बात ये है कि तारा को किसी ने किडनैप कर लिया था। किडनैप? किसने? वो तो तारा को भी नहीं पता, होश में नहीं थी। और जब ये होश में आई तो ठीक से कुछ याद भी नहीं। चलो अच्छा हुआ तारा सही सलामत घर लौट आई। ए देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा तू ठीक तो है ना? हमें लगता है हमें तारा को आराम करने देना चाहिए जीजी। भाभी मेहमान आ गए, लगता है वो लोग आ गए। चलो आप लोग जाइए, मैं तारा के पास बैठती हूँ। हाँ आराम कर बेटा, हम आते। वैसे मयंक कहाँ है? हाँ देख ही नहीं रहा है। We'll be right back.
लगता है मेरे अलावा भी एक और काली शक्ति इस घर में आ चुकी है। जीते रहो। आइए ना, बैठिए। हाँ, वैसे आप लोगों को आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। शेखर भैया कह रहे थे कि शादी मुंबई से ही करेंगे तो आसानी होगी। अब उन्होंने इतनी जिद की तो हमने भी उनसे बोला कि हमें तो बेटी की विदाई करनी है तो हम वहां से कर देंगे। वैसे भाई का आंगन भी तो अपना ही होता है ना। आपने बिल्कुल सही कहा जय जी, आपका परिवार बहुत सुंदर है, वरना आजकल के समय में कौन किसके बारे में सोचता है इतना। बिल्कुल सही कह रही हैं अपना जी। वो कुंडली इस लड़की की नहीं हो सकती। लगता है वो लड़की जिसके पास आधी राक्षस की है उसकी कुंडली गलती से माँ के पास आ गई है। मुझे माँ को बताना पड़ेगा, ये शादी नहीं हो सकती। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जाना है? बाथरूम जाना तो वहां है उस दिन। जी नहीं। माँ मैं आती हूँ, एक मिनट। पता है मुझे लड़की से अकेले में बात करनी है ना। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि तुम दोनों आजकल के बच्चे हो, या वैसे भी शादी तो तुम दोनों की ही होनी है, तो जाहिर है अकेले में बात करना चाहोगे ही। क्यों जया जी, अगर आप इजाजत दें तो बच्चे अकेले में कुछ बात कर ले। हाँ हाँ जरूर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर आओ आओ। चलो, माँ ने बोल दिया। अरे शर्मा मत, आ जाओ। अरे बी कंफर्टेबल, अपना ही घर समझो, टेरेस उस तरफ है। अरे खुली हवा में आराम से बात करना, जाओ। क्या हुआ? इस रूम में बात करते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना बाहर टेरेस पे जाके बात कर लो। तारा अंदर कमरे में आराम कर रही है। वैसे तो हमारे घर में और भी बहुत सारे कमरे हैं, लेकिन तुम लोग नया नया कपल हो ना, जाओ ना टेरेस पे, खुली हवा में बात करो। जाओ चलिए। इतना स्लो क्यों है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।